इस माइक पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जन आशीर्वाद यात्रा को समर्थन देने के रूप में तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए जब तक मुख्यमंत्री जी इस माइक पर आए। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। भारत माता की। अरे भाई 90 पार तो है ही, 90 तो है। देखो ये भाड़े के लोग हैं, यहाँ से जयकारे बोले, लेकिन भाई मजा नहीं आया। अगर मजा आए तो इस कंपटीशन में जीत के दिखाओ। मैं कहूँगा भारत माता की जय, दोनों हाथों को उठा के आग बुझाने चाहिए। भारत माता के, भारत माता के। भाई नगरवासियों, ये भिवानी जिसको हम छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही शराफत से भरपूर, जो मन में ठान ले उसको पूरा करके छोड़ के पीछे हटते हुए आज हमारी जन आशीर्वाद यात्रा इसका 11वां दिन संपन्न हुआ। 66 विधानसभाएं इस समय तक हो गई हैं, जहां पर हर विधानसभा में कम से कम 15-15, 20-20 जगह हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और अगर 10 जगह में भाषण करना पड़े तो भाइयों मैं तो 660 भाषण में कर चुका हूं। 660 ये हजारों की संख्या जब आती है तो हमारे प्रदेश के नेता, हमारे केंद्र के नेता सब गदगद होते हैं, और सबकी ओर से मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि इतनी बड़ी संख्या में यहां भिवानी के इस आज की रात्रि सभा में लगभग 11:45 बज चुके हैं आप यहां पधारे हैं। लगातार हमारे साथ हमारे शिक्षा मंत्री श्री रामकला जी शर्मा, हमारे अपने सांसद जिनको अभी 3 महीने पहले आपने भारी बहुमत से जिताया था, चौधरी धर्मेंद्र सिंह जी। इसी प्रकार हमारे प्रदेश के महामंत्री जो इस यात्रा के प्रमुख भी हैं और करनाल लोकसभा के सांसद भी हैं, भाई संजय भाटिया जी, जिनको श्रेय है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से संजय भाटिया जी जीत के आए। 6.5 लाख का मार्जिन, 6,56,000 का मार्जिन, भाई बोलो ये कोई छोटी बात नहीं है। आज हमारे विधायक भाई घनश्याम सराफ, ये भी यात्रा में पूरा समय जब से विधानसभा का कार्यक्रम शुरू हुआ तब से साथ है। हमारे प्रदेश के सब नेता, जिले के नेता नंदराम जी धनिया समेत हमारे कई चेयरमैन हमारे इस यात्रा की प्रबंध व्यवस्था में लगे हुए, 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे साथ चल रहे हैं, और साथ ही हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पुलिस है, इतनी बड़ी संख्या में आज इस व्यवस्था की सफलता में फील्ड के लोग तो लगे ही हैं, यात्रा लगातार 11 दिन से चला रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाई बहनों, आखिर यात्रा क्यों? हमको पता है कि लोकतंत्र में अपने देश के अंदर विधानसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है। 5 साल पहले 2014 में आप सब लोगों ने, हरियाणा की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस समय जब बनाई थी हमने काम करना शुरू किया। जो लोग थे विपक्ष के लोग, कुछ राजनीतिक पंडित, कुछ नए नए लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि ये मनोहर लाल कौन है, कहां से आ गया। पुराने लोगों को सब पता है मैं कहां से आया हूं, लेकिन नए लोगों को भ्रम था कि जैसे हम ऊपर से टपक के आ गए या कहीं से निकल के आ गए। भाइयों बहनों, ये भिवानी, इस भिवानी में मैं जगह जगह चप्पा चप्पा घुमा हूं, देखा है मैंने,
यहाँ एक चिड़ी मार गली होती थी, हमने कहा भाई तेरी मार नहीं तेरी पाल कर लो उसको, तो यहाँ का तो भाई एक एक साल। लेकिन मैं कह रहा था उन लोगों ने कहा कि ये तो नए लोग हैं, अनुभवहीन हैं और अनाड़ी हैं, हम बड़े लो प्रोफाइल रह करके अपना काम करते चले गए, जनता की सेवा। और जनता नहीं, मैं तो कहूंगा ये जो हरियाणा का 2.5 करोड़ जनता का, ये मेरा अपना परिवार है, मैं अपने परिवार की सेवा में लग गया। और इस परिवार की सेवा करते हुए हमको सारी समस्याएं लोगों को बताती, एक एक करके समस्या का हल करने के लिए हमने कई व्यवस्थाओं में परिवर्तन किए। हमने ये जो अफसरशाही थी इसको खत्म किया, ये जो दलालगिरी थी, ये जो बिचौलिए थे जो सफेद कपड़े पहन के मांड लगा के आ जाते थे और आपकी जेब में से पैसा निकाल करके फिर कई काम होता था, हमने साफ के उनके कुत्ते पजामे फुटियों पर लगवा दिए, भाई बहनों फुटियों पर लगवा दिए। हमने कहा जनता का काम अब ये बिना भ्रष्टाचार के होगा, सीधा होगा, सीधा आपसे हमारा संबंध बनेगा। हमने सरकारी नौकरियां दी बिना पर्ची खर्ची के, एक भी पैसा किसी का खर्च नहीं होने दिया, भाइयों बहनों हमने दी के नहीं, ये सरकारी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के दी के नहीं, दी के नहीं, इस सिस्टम को चालू रखना चाहिए कि नहीं, रखना चाहिए कि नहीं। तो भाइयों बहनों ये सारे काम हमने करने शुरू कर दिए और जब करते करते ये जनता प्रसन्न हुई, जनता ने हमें गांव में शहर में सब जगह सफलता हासिल करानी शुरू की, चाहे गांव के चुनाव हुए, चाहे शहरों के चुनाव हुए, कॉर्पोरेशन के सीधे मेयर के चुनाव हुए। और जब जीत का चुनाव हुआ तो विपक्षी दलों में घबराहट शुरू हो गई, ये क्या, ये तो भाजपा बढ़ती जा रही है लगातार, इनको रोको रोको यहीं रोको यहीं रोको। और रोकने के लिए राहुल गांधी ने रणदीप सुरजेवाला को कहा भाई और कोई नहीं रोक सकता, तू जाके रोक, तो रोकने के लिए जीवन में हमको आया। और जब वो आया तो ऐसी मौके खा के गया कि बहुत मुश्किल से 1000 वोट से जमानत उसकी बची, 1000 वोट से जमानत बची। तो भाइयों बहनों इस जनता का आकार प्यार। और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 10 की 10 सीटें इस जनता ने हरियाणा की पहली बार भारतीय जनता पार्टी को दी, हमने नरेंद्र मोदी के झोले में डाल दी। जब इतना सब हो गया तो अब वही लोग, वही राजनीतिक पंडित, वही विपक्ष के लोग कहते हैं ना भाई ना अनाड़ी नहीं है, ये तो राजनीति का खिलाड़ी है। तो भाइयों बहनों ये उनकी नजरें बदली। हम तो कहते हैं हमको जो 5 साल पहले थे वही आज हैं, हम उस समय भी जनता की सेवा करने के लिए निकले थे, आज तक भी सेवा कर रहे हैं, अभी भी 3 दिन यात्रा करता हूँ, 1 दिन सरकारी काम में, हर दिन कोई ना कोई नई योजना बना करके चंडीगढ़ में बैठता हूँ और ताकि जनता की सेवा लगातार होती रहे, हम 1 दिन भी खाली बैठते नहीं, दिन रात लगा के डबल काम करते हैं। और इस प्रकार से 5 साल में हमने वो काम करके दिखाए हैं कि आज हरियाणा की जो सारी सफलता और ये जो इतना प्यार आपका मिल रहा है ये दूर दराज तक देश के बाकी प्रदेशों में भी चला गया। अरे आपने ईमानदारी की नौकरियां ये कैसे देती, भ्रष्टाचार कैसे खत्म कर दिया, आपने ऑनलाइन ट्रांसफर ये कैसे कर दिए, आपने कैरोसिन फ्री ये हरियाणा को कैसे कर दिया, इस प्रकार की बातें आज हमसे पूछते हैं। आइए बताओ करने की ठान लो तो कोई कठिन नहीं है, लेकिन इस सारे करने में इसके इस सफलता के पीछे पूरी जनता का भी हमको सहयोग है, जनता के सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था। हमने पहले दिन नारा लगाया था कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। और हमने एक बात और कही थी कि अब इस प्रदेश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं चलेगा, ये जातियों का भेद, ये इलाके का भेद, कोई कहता कि ये जाट का राज का आ गया, कोई ब्राह्मण आ गया, कोई बढ़िया आ गया, कोई हरिजन जाति का आ गया, कोई
बैकवर्ड क्लास का आ गया, कोई पंजाबी आ गया, कोई पता नहीं क्या क्या जातियां घड़ के आते हैं कि राजनीति ऐसे होगा, ऐसे नहीं चलेगी। ये राजनीति सबको साथ लेके चलेगी। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हरियाणा एक, हरियाणा एक, हम सब हरियाणा के लोग आज इस हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ योजना चाहिए, जो आपका सुझाव चाहिए, उसको लेकर के और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमने चुनाव से पहले अपनी एक संकल्प पत्र यात्रा भी निकाली है और हर जनता का आदमी जिसके मन में कोई भी सुझाव हो आगे 5 साल राज्य करने का, आप हमको सुझाव दे दीजिए, हम अगले साल के शासन करने से पहले उस सारे संकल्प को उसको शामिल करेंगे और नए नए जो भी काम आप ध्यान कराएंगे इस जनता के सुख के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। हमारे पास पैसे की कमी नहीं, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं, हमारे पास योजनाओं की कमी नहीं। हमारा इस प्रकार का जो इरादा है उसको हम आगे 5 साल करेंगे। हमारा पिछला 5 साल का समय अगले महीने खत्म हो रहा है, अब अगले महीने आप लोग अगले 5 साल के लिए हमको आशीर्वाद देंगे, अगले 5 साल के लिए आशीर्वाद देंगे। आपके इस आशीर्वाद से हमारा लाइसेंस, अगली बार भारतीय जनता पार्टी का बहुमत इतना प्रचंड है, इतना प्रचंड है कि लोग भी सोचे कि हरियाणा की जनता ने क्या कमाल किया है। आपको पुनः एक बात का आह्वान करते हुए कि अपनी ये यात्रा, इसका समापन रोहतक में होगा मित्रों, 8 सितंबर को होगा और स्वयं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसमें आकर हमको आशीर्वाद देंगे। आपसे प्रार्थना कि आप रोहतक में 8 सितंबर को रविवार के दिन अवश्य आए, आएंगे आएंगे, और सब रोहतक दूर नहीं है, 50 किलोमीटर है, सबने अपने अपने साधनों से आना है। हम शाम जी को ये नहीं कहना कि हमको बसें दे दो, हमको गाड़ियां दे दो, अपने आप आएंगे, अपने आप आएंगे, उस दिन आपके दर्शन फिर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए